अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अब आ गए हैं जी हम फिश के हाउस, और फिश का देखिए कितना प्यारा बंगला है और इतना प्यारा म्यूज़ियम बना हुआ है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। और आज हम लोग तीन जगह जाने वाले हैं, तो अभी हम शाजमीना के घर पर भी जाएंगे, जो कि मेरी कज़न की बेटी है और मेरी भतीजी लगती है, तो और उनका ससुराल गार्डन के। और जिस जानवर की हमने यूट्यूब पर नहीं डाली तो आप लोग हैं, तो टिकटॉक पर कहा कि मैंने बोला चले उनके यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे वाशरूम वगैरह में होके और जो है ना थोड़ा सा सुकून लेंगे और फिर चलेंगे, क्योंकि बच्चों को लग गई थी पोटी पेशाब की, तो इस वजह से हमें उनके यहाँ पर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाके इनको जो है ना बस खेलने से फुर्सत ही नहीं मिली। वैसे है ना अयान के पापा ने रोड पे साइड में ले जाके इनको करवा दिया था, लेकिन मैंने कहा चले चलते हैं थोड़ी देर बैठ कर आ जाएंगे। तो हम लोग बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया, तो आप लोग भी देखिएगा फुल व्लॉग। और अरमान को चोट लग गई थी दो साल पहले शायद, तो उनसे भी मिलवाऊँगी, जो मेरे भाई मतलब मेरे दामाद जो है ना लेकर गए थे हॉस्पिटल अरमान को, तो आप उनसे भी मिलिएगा। और साथ ही साथ आप ये वॉच करें, देखिए कितनी प्यारी फिश है, पहली बार इतनी अच्छी अच्छी इतनी खूबसूरत फिश है देखी। अगर आपने देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कराची से हैं और आपने चिड़ियाघर देखा हुआ है तो आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए पापा बच्चों को ना दिखा रहे थे, और अजान इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे, डो रहे थे, कह रहे थे कि मुझे फिश के साथ नहीं बैठना, मुझे डर लग रहा है इसको, ऐसा हो रहा था कि ये डर हो रहा था इसको बहुत ज़्यादा कि कहीं वो निकल के बाहर ना आ जाए। तो बड़ा इंजॉय किया हमें, बड़ा मज़ा आया, और काफ़ी हमने इंजॉयमेंट किया। और फिर शाम में हम चले गए अपनी भतीजी के घर पर, वहाँ पर हमने समोसे वगैरह चाय वाय पी, और फिर हम लोग निकले पप्पू के घर पर। तो इंशाल्लाह दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोग ऐसे साथ बने रहिए। और मुमताज़ बेगम भी देखिएगा आप आगे चल के, इसी व्लॉग में आप लोगों को मुमताज़ बेगम भी नज़र आएंगी। और मुमताज़ या मुमताज़ जो भी है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, तो वॉच करके देखिए आप हमारा व्लॉग। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था, शायद आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। और इतनी प्यारी प्यारी फिश कितनी खूबसूरत है ना, और किस किस के घर में फिश मतलब हैं इस तरह, किस किस को पसंद है फिश वगैरह रखना, घर में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, और मतलब कोरियम वगैरह बना बनाया जगह नहीं है। वैसे बॉल वगैरह भी मिलते हैं शीशे के, छोटे से छोटे कांच के, इसमें कितनी प्यारी के पापा बस मुझे ला के ही नहीं देते हैं कलरफुल। और ये देखिए कितनी प्यारी कलरफुल फिश थी, छोटी छोटी सी, और आया मेहमान सब काफ़ी और ये जिंदा है, काफ़ी मज़ा आ रहा था। अच्छा वैसे वहाँ पर ना बनाने में दे रही थे बिल्कुल भी, ये जो आधी लोमड़ी और आधा इंसान का वो है ना इंसान दे रही हूँ, काफ़ी नेट पे लोग छोड़ देते हैं अलग अलग, तो इस वजह से बनाने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया, सख्ती से मना किया गया है, वो लिखा भी हुआ था, और मोबाइल चीज नहीं चाहिए उनके लिए वो। तो मैंने फिर भी बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए बनाई, और बहुत ज़्यादा एक मिनट मतलब उन्होंने डिलीट करवा दी थी, फिर एक ऑप्शन आता है ना कि आ रही हूँ एक मिनट वो चीज़ ले आते हैं। देखिए गाइस आप लोगों के लिए कितने, फिर मैंने वही किया, और यहाँ पर ये देखिए कछुए प्यारा कछुए वगैरह, और अजान तो इतना ज़्यादा डर रहे थे इनसे, इतना ज़्यादा डर रहे थे, बहुत डर रहे थे अजान, और मुझे ही बड़े प्यारे लग रहे थे, मैं तो इतनी खुश हो रही थी इनको देख देख के। मैंने पहली बार इस तरह से रियल बिल्कुल देखे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। आप लोग भी आए कराची में और फिर जाम में देखिए, वो काफ़ी अच्छा बन चुका है अब तो। और भतीजे को हम बता के नहीं गए थे, वो अचानक से हम लोग गए, वो किसी के घर पर गई हुई थी अपने ससुराल में किसी के लिए यहाँ पर, तो उनके घर से मैंने उनको बुलवाया, और फिर वो आई, फिर जो है ना हम उनसे मिले, तो करीब ही गई हुई थी जैसे कि अपने ही ससुराल के बराबर वाले घर में, तो फिर जब उनसे मिलकर आए काफ़ी अच्छा लगा। और उनके भी माशाल्लाह ससुराल अच्छा है, सारी जिठानी देवरानियाँ उनका फुल जॉइंट फैमिली है वो भी, तो
काफी अच्छा लगा कि भाई आए, फिर हम लोग मिले, कुछ भी नहीं देखे तुम, और यहाँ पर कुछ ये देखिए नहीं देखे जो ना म्यूजियम है, और ये पूरा ये देखिए मतलब अच्छे से वो बना हुआ है हाउस फिश का, मतलब मच्छ का काफी अंदर, और इसके टिकट थे 50 रुपये एक घंटे का, तो हम चार थे, तो हमारे 200 रुपये लगे थे, मार रहे उनको 50 का, मारो बक करो, सुनो बक करो, ये सब डर रहे, मारो बक करो, बक करो, ये डर रहे ये, तो आप लोग भी एंजॉय करो, गिर जाएगा स्लिप होगा ये। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और अब हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, डर भी लग रहा है मुझे, तो ऐसी पेश आना हो जैसी जगहें हैं, ओ वाओ यहाँ पर भी फिश है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा शायद, खड़े हो यहाँ पर हैं, आओ इस तरफ आओ यार, पता नहीं कैसे निकल गया ये, उल्टी सीधी हरकतें, निकलो बाहर चलो, तो ये कुछ इस तरह का है, गए वहाँ से थे आए वहाँ से, अच्छा कितनी दूर थे, यहाँ पर ये समंदर वगैरह बना हुआ है, और ये बत्तख वगैरह का ही है, अभी आओ आगे 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 जी। तो भाई अब हम जा रहे हैं मुमताज़ बेगम का टिकट लेने, और वहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो अलाउ नहीं है, एक लेडीज ने बताया कि जैसे कि मोबाइल वगैरह भी रख लेते हैं, फिर पूरा पार्क जब घूम लेते हैं ना, यानी कि स्कूल में जैसे कि बच्चों से चीज़ें लेके रख लेते हैं, और फिर छुट्टी के वक्त देते हैं, इसी तरह आपका मोबाइल मिलेगा फिर आपको, और ऐसे आप वीडियो नहीं बनाइएगा वरना मसला हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं मैं मोबाइल तो अपना नहीं दूँगी, फिर भी मैंने जैसे ही वहाँ पर हम पहुँचे, टिकट लिया और अंदर पहुँचे, उन्होंने फ़ौरन हमें कहा कि मोबाइल नीचे मोबाइल नीचे, तो उन्होंने हमें वीडियो बनाने ही नहीं दी, और जो है ना उन्होंने कहा कि आपको मना किया है ना, फिर आपने वीडियो क्यों बनाई हमारी यहाँ की, तो फिर मुमताज़ बेगम की मैंने कहा नहीं बनाई, उन्होंने कहा डिलीट करें, मैंने फ़ौरन से डिलीट मार दी, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि फिर से उसको लेकर आ सकते हैं डिलीट करके वीडियो को गैलरी में, तो मैंने फिर वो आप सबसे साथ जो है ना छोटी सी लगा दी वीडियो, वरना बिल्कुल भी अलाव नहीं। और यहाँ पर देखिए अजान, और यहाँ पर देखिए हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाई, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, और पॉपकॉर्न खाए थे, लेस वगैरह ले ली थी, और भी चीज़ें जो नज़र आती गई बच्चों को वो खाते गए, और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और फिर हम मैंने तो पैटिस वगैरह भी खा लिए थे, खाना वगैरह हम लोग खा के ही आए थे, नाश्ता ही हमने किया था, फिर हम रात को सोच रहे थे कि फूफो के जाएंगे और अपनी कज़न के जाएंगे, तो बस फिर हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक इंजॉय करते रहे, और फिर हम लोग घूमे, फिर कज़न के चले गए भतीजी के घर पर, वहाँ पर हम लोगों ने फिर समोसे वगैरह खा लिए थे, और फिर रात में हम फूफो के गए, तो वहाँ पे था ब्रोस्ट और साथ में थी चिकन बिरयानी, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, और पप्पो हमें पता नहीं क्या चीज़ें देंगी, दी पप्पो ने उन्हें छालिया मुन्ने के हाथ में मीठा भी खा रहे थे, तो फिर हम जो है ना आप लोगों से शेयर करेंगे, अरमान बता रहे हैं कि मीठा भी खा रहे थे जी, मीठा भी खाएंगे पप्पो, जो है ना उनके हस्बैंड पकाई का काम करते हैं, यानी कि हमारे पप्पा साहब करते हैं पकाई का काम, कारखाना है उनका अपना, तो चलिए इंजॉय करें आप लोग, इधर देखो तीनों चला जाओ, चलो उतर जाओ बस,
कितने उसमें रखे हुए? क्यों इसको पकड़े है? खुली जगह में रहते हैं ना, खुली जगह में रहते हैं ना वो लोग। देखो पानी का वो भी पीने का बनाया हुआ, कितना बड़ा बनाया हुआ है। ये खुली जगह में रहते हैं ना ये वाले हर जानवर है यहाँ पर, हर जानवर। ये इनकी मट्टी है गंदी, फेंक दो। अगर किसी का मोबाइल यहाँ चले जाए तो ये दे देंगे निकाल के? जाके निकाल के लिया। कहाँ से निकाल देंगे? जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ पे देखो करंट की तारे लगाई हुई है, कोई जाए नहीं अंदर लेने लेके नहीं चले। तो इनको हाथी से भी ज्यादा बड़े उसमें रखा हुआ है, भागते हैं। क्या है हम लोग, ये इनका गेट है, शादी में कब अलग हो गया था मेरे ख्याल से, पहले दूसरा रास्ता था। बोलो मलेर से आए? क्या मलेर से आए? अभी आ चुके हैं शाजमीना के घर पर और वो मेरी भतीजी हैं। तो अभी मैं जो है ना यहाँ पर आ गई हूँ मिलने के लिए उनसे, बस हम भाई का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर हम लोग जाएंगे। अब वो ना वहाँ पर नहीं मिलेंगे, देखो बच्चे देखो सलाम कर रहे हैं। आप यहाँ पे गिर गए थे ना, गिर गए थे ना आप? दुकान पता है वो देखो अयन भाई की, आप फुप्पो आप ही का है ना, वो बना के लेकर आओ व्लॉग के लिए। मम्मा इसको पता नहीं है, ये वहां से रोड दिखता है, वो बिल्डिंग है। हाय कर दो, बोलो हाय। आसान को देखो, ये आसान मेरे पास तो भाई। ये मेरी भतीजी का घर है और शाजमीना का आए हैं अभी, और यहाँ पर सलाम सब मिलने आ रहे थे। और जो है ना आसान को देखो, जरा देखना आसान को किसी को। गिर गए मेरे बच्चे, गिर गए हमारी बच्ची का है वो ही। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, को गंदे बच्चे थे। आ जाओ शाजमीना का किचन है, देखिए नीचे उतर के कैसे घूमता फिर रहा है। कहाँ घूमना है? कर दो ये ले, ये वाला है, ये वाला है, रोशनी दिखाना। सही काम, माशाल्लाह से बहुत अल्लाह का शुक्र है, मेरी इतनी दुआएं आपके लिए निकलती है ना। ये ना इसके दूसरे लगवाए थे मैंने। अच्छा ये जो बाही, ये है वो बाही भाई जिन्होंने मेरे मुन्ने को जो है ना, मेरे मुन्ने की चोट लग गई थी और भाई लेकर गए थे। तो भाई का मैं इतनी शुक्र गुजार हूँ, इतनी मैं मतलब शुक्र अदा करूँगी कि थैंक यू सो मच इनका, इन्होंने मेरे बेटे को जो है ना उनकी नई ज़िंदगी उसको मिली है। अगर उस वक्त भाई घर पर नहीं होते ना, मेरे मुन्ने को कुछ भी हो जाता। तो भाई आपका बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, लेकिन भाई कोई मसला नहीं है, हम इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं है फेमस अभी, और बस आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। तो ये था वो मेरा बेटा अरमान, और ये है शाजमीना का मुन्ना, मेरी भतीजी का बेटा, जरार नाम है इसका, माशाल्लाह से क्यूट है। हाँ आप मानने जा रहे हो किच को, अजान को? अच्छा वो शरारते करने लग गया मुन्ना। आ जाए भाई आप भी आ जाए। अच्छा।
आज का भी लोग आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जाएंगे फुप्पो के घर पर, तो नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा।